नंबर या 07-662-35-24-51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौज तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश माह 2023 के चुनावी महादंगल पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। यह पूर्ण विराम ऐसे लग गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नया चेहरा सामने आ गया है। मोहन यादव हुई मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री, लेकिन मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री के साथ तीन और कद्दावर नेतन का बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जौने माह भारतीय जनता पार्टी के संगठन जाति समीकरण के साथ साथ जो अंचल के राजनीति होती ओहू को साधे के पूरा प्रयास किनगा है। हालांकि ये का यह गड़ी थी चार चेहरन के पीछे पूरी जानकारी पूरी खबर लेके आए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल माहू कनिष तिवारी प्रपंच जैन का सभी जैन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंच बता दी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम अमूमन को कहो दूर दूर तक चर्चा में नहीं रहा, लेकिन एकाएक मोहन यादव के नाम आए से सब चौंक गए। काहे कि जो कद्दावर नेतन के नाम चल रहा उन नेतन के नाम दूर दूर तक कहो छुआवे नहीं भा। बीजेपी जो है चौंकावे वाले फैसला खातिर जानी जाती, एक बार फिर से यह साबित हो गई ये बात। मध्यप्रदेश में भाजपा के तमाम दिग्गजन का दरकिनार करत की मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना बगा, जबकि राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा का डिप्टी सीएम बना बगा। एक अलावा कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह है कि इन चार नेतन के जरिए भी बीजेपी के द्वारा जितना जोर जातिगत समीकरण पर दीनगा उतना ही जोर बीजेपी के द्वारा मध्यप्रदेश के अंचल वाली राजनीति का दीनगा है। अपना बच्चे का हम बताऊं ये पूरे खबर में कि आखिरकार संगठन और बीजेपी कैसन या पूरी गणित खेली सी, जौने से कहा जाए चार तीर से कई अट्ठे शिकार। अपना बच्चे को बता दी मोहन यादव और जगदीश देवड़ा मध्यप्रदेश के सत्ता में अगर रहक है तो मालवा निमाड़ का जीता बहुत जरूरी है। कहे कि 65 विधानसभा सीट वाले मालवा निमाड़ बा प्रदेश के सत्ता के रास्ता निकलत है। बीजेपी का यह 65 में से 45 सीट जीती है। ऐसा मां पार्टी का एक बार फिर से जोरदार बहुमत मिला है। यह वजह है कि बीजेपी के द्वारा यह अंचल से आवे वाले मोहन यादव का मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का उप मुख्यमंत्री बना बका है। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मालवा निमाड़ बीजेपी खातिर कितना जरूरी है। राजेंद्र शुक्ला के जरिए जो है एक तीर से दो शिकार कर लेगा। विंध्य अंचल में मध्य प्रदेश के राजनीति में हमेशा से अहम माना जाता है। विंध्य के 30 विधानसभा सीट में बीजेपी के द्वारा हमेशा पूरा जोर लगा बगा है। खास बात यह है कि यह अंचल ब्राह्मण बाहुल्य रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी का 30 सीटन में 24 सीट मिली रही, लेकिन मंत्रिमंडल में बीजेपी का पर्याप्त जगह नहीं मिली रही। 2023 के चुनाव के ठीक पहले राजेश शुक्ला का शिवराज सरकार में मंत्री बना बगा, जेकर फायदा बीजेपी का मिला। पार्टी एक बार फिर से विंध्य में 30 सीटन में 25 सीट जीत गए। ऐसा मां भारतीय जनता पार्टी अभी विंध्य का पर्याप्त तवज्जो देत की न केवल राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बल्कि ब्राह्मण वर्ग पर पूरा जोर लगावागा है। अपना बच्चे बता दी अब ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर का साधा गया है। कौनो राज्य मां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बाद यदि कौनो बड़ा पद माना जाता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष के होते। बीजेपी के द्वारा यह पद यह ग्वालियर चंबल अंचल का हिस्सा में दीन गया है। ग्वालियर चंबल अंचल जो है 34 में से 18 सीट पर बीजेपी का जीत मिली है। ऐसा माप पार्टी के सीनियर नेता नरेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा अध्यक्ष बनाने के फैसला लेगा। तोमर मुरैना जिला के दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। महाकौशल और मध्य भारत मां मंत्री की फौज आ सकती है यह बात के कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात यह ही कि अब मोहन यादव के मंत्रिमंडल और महाकौशल और मध्य भारत अंचल से मंत्री के फौज हो सकती है। काहे कि अंचल से कई बड़े नेता चुनाव जीते हैं जिनका बड़े पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा बुंदेलखंड अंचल पर जो है मंत्रिमंडल में अच्छा खासा प्रभाव हो सकता है। यह पूरा जो कुछ हो रहा है ये माँ सबसे बड़ी बात यदि देखा जाए तो निशाने में 2024 के चुनाव है। बीजेपी के निशाने पर 2024 की यह लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक जानकारन के कहा है कि जातिगत समीकरण के साथ साथ
बीजेपी का अंचल की राजनीति का साधक जरूरी है। पार्टी के द्वारा मालवा निवाड़ में सबसे ज्यादा आबे वाले लोकसभा सीटन पर फोकस किया गया है। ऐसा में फैसला कितना कारगर हुई यह जल्द देखे का मिली। तो निश्चित तौर पर यह जो समीकरण बैठावा गया है, जो अंचलन का साधा गया है, जो जातीय समीकरण साधा गया है, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी मुहसकत है। भारतीय जनता पार्टी पहले था नाम जो मुख्यमंत्री के मोहन यादव के नाम है वह आबाता सब चौक गए, पूरा मध्य प्रदेश चौक गया। सलगे सूत्र फेल हो गए, सलगे सूत्र जवाब देंगे, केहू के कौनो सूत्र काम नहीं आबा। और जो फोटो एक खींची गए ग्रुप फोटो भय 163 विधायकन के विधायक दल के ता ओ मां तीसरे पंक्ति में जो है मोहन यादव बैठे है, काको जाना रहा कि वो मोहन यादव जो फोटो खिंचावल लागे काऊ प्रथम पंक्ति के हक मार दे ही, लेकिन प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति का पछाड़त की तृतीय पंक्ति प्रथम स्थान में पहुंच गए मोहन यादव बतौर मध्य प्रदेश के अब मुख्यमंत्री हो ही। नए नवेले मुख्यमंत्री के जो है दूठे डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला, जगदीश देवड़ा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब पूरी टीम जो है कस दिन गई ही। 13 तारीख का शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के हुई जमुई मैदान में, जहां कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यह समारोह में शामिल हुए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।